हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूँ फ्रेंड एमिर कुमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल में सटीक बाय प्रमाण सर पर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एसएससी सीरीज न्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज का। देखिए दोस्तों, कोई दिन 18 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 64 गुना होगा। अब दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज के ऐसे क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आप सब कमेंट कीजिए। दोस्तों देखिए, जब चक्रवर्ती ब्याज दिया तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है कि 18 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितना गुना? 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में वो 64 गुना हो जाएगा। 2 की कितनी पावर से 64 बना, ये देखना अपने दोस्तों। तो 2 की 5 पावर से 32 बनते हैं, 2 की 6 पावर से 64 बनेंगे। इसी 6 का गुणा 18 में करो तो 18 × 108 वर्ष, तो डी ऑप्शन को मैच करके। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिन 7 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना होता है तो कितने वर्ष में 27 गुना होगा। देखो, 7 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 27 गुना होगा। ठीक है, अब 3 की कितनी पावर से 27 बने, ये ध्यान रखना। तो 3 की 3 पावर से 27 बना, इसी 3 का गुणा 7 में कर दो, 7 × 21 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? डी ऑप्शन को मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोई दिन 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना होता है तो कितने वर्ष में 64 गुना। अब दोस्तों, इसके लिए कमेंट कीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब तक आप सीख गए होंगे, 60 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष 20 वर्ष, तो आपने कमेंट कर दिया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो 10 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, स्वयं का 4 गुना हो रहा है। अब कितने वर्ष में 64 गुना होगा, अब 4 की कितनी पावर 64 बन रहा है, 3 पावर से 64 बन रहा है। इसी 3 का गुणा 10 में करेंगे, 10 × 30 वर्ष, तो 30 वर्ष कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोई दिन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की, यहाँ पे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं लिया, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो स्वयं का 3 गुना हो रहा है। देखो, 15 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, कितने वर्ष में 27 गुना होगा। तो 3 की 3 पावर से 27 बन रहे, तो 3 का गुणा 15 है, 15 × 3 = 45 वर्ष। बी ऑप्शन अपना मैच कर दिया। आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कोई दिन 12 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना होता है तो कितने वर्ष में 125 गुना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 12 वर्ष में 5 गुना हो रहा है, कितने वर्ष में 125 गुना होगा। तो दोस्तों देखते हैं, 5 की 3 पावर से 125 बन रहा है, 3 का गुणा 12 में करेंगे, 12 × 3 = 36 वर्ष, 36 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन अपना मैच कर। आवाज़ कम करो मैडम, आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो। तो अगला क्वेश्चन, 16,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज की दर 6 माही दी है। अब दोस्तों, जब 6 माही दर दिया हो तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 6 माही दी हो तो सबसे पहले 6 माही, यानी कि सबसे पहले ये समझना अपनों को कि ये 12 वर्ष है और 6 महीने में ब्याज, फिर 6 महीने में ब्याज, यानी कि 2 बार ब्याज लगेगा। जब ब्याज 2 बार लगेगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि दर, जो दर है वो आधी होगी, यानी कि 10/2 होगा, यानी कि 5%, और समय दुगना होगा। दर आधी होगी और समय दुगना होगा क्योंकि 2 बार लिया जाएगा, तो समय n × 2 यानी कि 1 × 2 = 2 वर्ष। अब समय 2 वर्ष हो गया, आवाज़ कम कर लो। तो अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखो कि आपकी ब्याज की दर कितनी होगी, 5% होगी, दर आधी और समय दुगना। तो देखो दोस्तों, 5% के लिए अपन सोल्व करेंगे तो 5/20 होगा, और 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 5/100 होगा, और 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 20 होगा, यानी कि 1/20 होगा। तो 20 पे 1 रुपये का ब्याज, यानी कि 21 रुपये इसका मिश्रधन हो जाएगा।
जब 20 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन कितना होगा, 21 रुपये होगा। अब समय कितना है, 2 वर्ष है, ठीक है। तो 20 रुपये मूलधन, मिश्रधन 21 रुपये, ठीक है। 20-20 कितना होगा, 400 रुपये हो जाएगा, और 21-21 441 हो जाएगा। इसको अगर घटाएंगे तो 41 रुपये पर ब्याज मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे कितना है दोस्तों, मूलधन कितना है, 16,000 है, कितना है 16,000। तो 16,000 बनाने के लिए दोस्तों इसमें 4 चौक 16 होगा, लेकिन 1600 ही होगा, ये 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 40 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का गुणा 4 चौक कितना होगा, 16 होगा, और 300 पर यहाँ पे लग जाएगी, ये 16,000 हो जाएगा। जब मूलधन यहाँ 16,000 करेंगे तो इसको भी अपन 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 0 तो आ ही गया, 4 एकम 4 4 चौक 16, 1640 रुपये इसका ब्याज बनेगा। 1640 रुपये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों, कि जब ब्याज की दर 6 महीने हो तो दर आधी करेंगे और समय को दुगना करेंगे। तो दर 10% है तो 2 भाग लगाया, 5% हो गई, और समय 1 वर्ष है तो 2 वर्ष हो गए, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, 25,000 रुपये का 20% दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज की दर 6 महीने है। अब इसमें दर 6 महीने, तो इसमें क्या करेंगे कि R/2 यानी कि 20% / 2 यानी कि 10% दर हो गई, और समय कितना 1.5 वर्ष यानी कि 1 से 1/2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 ने 3 कितना होगा, 3/2 × 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो अब अपने पास दर 10% है तो 10/100, सिपर सिपर कट गई तो 10 पे 1 रुपये ब्याज यानी कि 11 रुपये। अब यहाँ 3 वर्ष है तो 10 रुपये मूलधन पे ब्याज कितना, 11 रुपये, फिर 10 पे ब्याज कितना, 11 रुपये, फिर 10 पर ब्याज कितना, 11 रुपये, ठीक है। तो 10 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो 11 11 121, और 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, और इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो 331 रुपये ब्याज बनेगा, ठीक। अब ये देखना है कि यहाँ पे मूलधन 25,000 रुपये है, यहाँ पे 1000 है, अगर इसमें 25 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 25,000 बन जाएगा अपना मूलधन। जब ये 25,000 बनेगा तो 25 का गुणा यहाँ पे भी अपनों को करना पड़ेगा, तो 25 एकम 25 का 5, 8 2, 25 3 75 2 77 का 7, 7 8 7, 25 3 75 75 और 5 80 2 82, 8275, 8275 सी ऑप्शन पर मैच करके। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3,20,000 रुपये का 20% दर से चक्र 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की दर 3 माही हो, क्या दिया इसने, 3 माही दिया। अब आपको देखना है कि ये 12 वर्ष है, इसमें 3 बार ब्याज लगेगा, 1 2 और 3 बार ब्याज लगेगा, तो 3 बार ब्याज लगेगा तो ब्याज कितने कितने महीने में लगेगा, 4 × 8 = 12, हर 4 वर्ष 4 महीने में ब्याज लगेगा, हर 4 महीने में ब्याज लगेगा, है ना, हर 4 महीने में ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे होगा R/4, तिमाही, इसने दिया 3 माही, तिमाही यानी कि 3 3 महीने में ब्याज मिलेगा, 3 3 3 9 3 3 6 3 3 9 3 4 12, हर 3 महीने, तिमाही मतलब 3 महीने में ब्याज लिया जाएगा, तो 4 बार ब्याज लिया जाएगा, कितनी बार लिया जाएगा, 4 बार लिया जाएगा, तो 4 बार ब्याज लेगा, तो ये जो दर है ये 20% है बटा 4 का भाग लगेगा, तो 4 × 5 = 20, 5% दर रह जाएगी, और समय इसका 1 है, इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये 4 वर्ष हो जाएगा,
ठीक ये 4 वर्ष हो जाएगा। अब अपने को सोल्व करना है 5। देखो तो 5/100 यानी कि 5 से काटें, 5 × 2 = 10 तो 21/20। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व, बड़ी 21/20 आया ना, इसको 4 बड़े कागज पे सोल्व करेंगे अपन, बड़े कागज पे सोल्व करना पड़ेगा। देखो तो 20 रुपये मूलधन पे 21 रुपये ब्याज, फिर 20 पे 21 रुपये ब्याज, 20 पे 21 और 20 पे 21, क्योंकि 4 बार ब्याज लिया जाएगा, 4 वर्ष हो रहा है, 4 वर्ष हो रहे तो 4 बार ब्याज लिया जाएगा। तो देखो 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 2 = 16 और 1, 2, 3, 4 सिपर, 1, 2, 3, 4 सिपर लग जाएगी, ठीक है। और 21 = 441, 9,261 और 9,261 में 21 का गुणा करेंगे तो 9, 2, 6, 1 का गुणा हो गया, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 का 2 अंशिला, 1, 2 × 2 = 5 और 2 × 9 = 18 तो 1, 6 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 9 × 5 = 14, 4 अंशिला, 1, 8 × 1 = 9, 1 तो यहाँ 16,000 मूलधन बन रहा और ये 19,000 बन रहा, 1,60,000 बन रहा है और 1,94,000 बन रहा है ना। तो इसको माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 4 बचेगा और 9 में से 6 गए तो 3 बचेगा, यानी कि 34,481 बचेगा और यहाँ कितना है 3,20,000 है, तो 3,20,000 है। तो 16 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 16 = 32 और 1, 2, 3, 4 सिपर, 1, 2, 3, 4 सिपर, यहाँ कितनी सिपर है देखते हैं, 1, 2, 3, 4 सिपर 32, ठीक है। यानी कि 21, 22, 23, 1,000, 10,000, 1,00,000, 3,20,000, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दो तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 6 × 1 = 1, 2 × 4 = 8, 1 = 9, 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6 तो 68,962 रुपये। देखते हैं 68,962 किस में आ रहे गए, 68,962 डी ऑप्शन अपना मैच कर गया, 68,962। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। और अगला क्वेश्चन आप सामने, 50,000 रुपये का 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज की दर 3 महीने हो। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न बताया जाएगा और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।